Good morning, everyone. How are you all? I hope everybody is fit, fine, and safe at home. So today, students, we are going to study chromosomal disorders of chapter Principles of Inheritance and Variations. In the last video, we did Mendelian disorders. Kya tha na humne? तो हम करने जा रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. ठीक है जी, देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एज अ नेम इंडिकेट कि क्रोमोसोम नंबर में वेरिएशंस होना है ना. इफ़ यू टॉक अबाउट इन ह्यूमंस, वी पीपल आर हैविंग 46 क्रोमोसोम, 46 होते हैं ना, तो उसमें वेरिएशंस आ जानी, कम हो जाना, ज़्यादा हो जाना, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी. दीज आर कॉज्ड बाय द एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स. ठीक है, देखो एक छोटा सा जीन है ना, एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड ही ला देता है, तो क्रोमोसोम की एबनॉर्मैलिटी से क्या होएगा. ऑब्वियसली जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट. द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैन बी स्टडीड बाय द एनालिसिस ऑफ कैरियोटाइप्स. कैरियोटाइप्स क्या होते हैं? कैरियोटाइप इज अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स. लाइक इफ यू टॉक अबाउट 46 क्रोमोसोम्स हैं है ना हमारे सेल में, तो उसका जो सारा अरेंजमेंट, सारा माइक्रोस्कोप नीचे, उसको सारे क्रोमोसोम्स के पैटर्न को देखना, सारे 46 के 46 को, वो पूरे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप. क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप. कैरियोटाइप इज एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोफाइल ऑफ अ पर्सन्स क्रोमोसोम्स अकॉर्डिंग टू द शेप, साइज एंड नंबर. ठीक है जी, जो क्रोमोसोम का नंबर है, शेप है, सारा उसकी स्टडी करना, देखना कैरियोटाइप है ना. कैरियोटाइप इज ऑल द क्रोमोसोम ऑल टुगेदर है ना, सारी प्रोफाइल उसकी. देखिए देखिए, वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ द फर्स्ट डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. फर्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है? डाउन सिंड्रोम. कौन सा है? डाउन सिंड्रोम. ठीक है, डाउन एक्चुअली ही वॉज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट, हु डिस्क्राइब्ड इट. ही वॉज जॉन लैंगडन डाउन. उसके नेम पे ये डिजीज का नेम पड़ गया. क्यों होता है? इट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम ट्राइसोमी. 21 जो 21st क्रोमोसोम पेयर है उसमें दो होने ना. ठीक है, उसमें कितने हो गए? तीन क्रोमोसोम्स हैं. 21st क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आ गया, तीन हो गए, ट्राइसोमी होगी. ठीक है, इट इज ऑल्सो सीन इन चिंपैंजीज एंड अदर प्राइमेट्स. ऑब्वियसली ये ह्यूमंस के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो उनमें भी ये डाउन सिंड्रोम पाया जाता है. सिम्टम्स क्या? देखिए, इंडिविजुअल्स आर शॉर्ट स्टेचर्ड विद स्मॉल राउंडेड हेड एंड फुरोड टंग एंड पार्शली ओपन माउथ. माउथ उनका ओपन नहीं हो सकता, छोटे होते हैं वो. पाम इज ब्रॉड एंड करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज. ठीक है, पाम भी एबनॉर्मल सा पाम है, ब्रॉड है ना, क्रीज भी, मतलब पता चल जाता है कि देर इज सम एबनॉर्मैलिटी. स्लो मेंटली आपको पता है, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो मेंटली तो जाना ही जाना ना. स्लो मेंटल, फिजिकल एंड साइकोमेटर ट्रीटमेंट. ऑब्वियसली डेवलपमेंट पे असर होएगा ही होगा उसका. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ रही है टर्नर सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम क्या थी? जो 21st क्रोमोसोम पेर है उनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाना है ना, वो ट्राइसोमी होगी. ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? टर्नर सिंड्रोम में एब्सेंस वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम. ठीक है, जो फीमेल्स में एक्स एक्स होता है, फीमेल्स में एक्स एक्स की जगह एक्स ओ ओ मीन्स नहीं है, एक क्रोमोसोम ही गायब हो गया. ठीक है, तो 46 की जगह कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 45. तो सिम्टम्स क्या होंगे? अफेक्टेड फीमेल्स आर स्टेराइल एज ओवरीज आर रुडिमेंटरी. ओवरीज प्रॉपरली बन नहीं पाएंगी, तो वो जो फीमेल्स क्या होंगी? स्टेराइल होंगी. देखिए, अगर फीमेल स्टेराइल है तो ऑब्वियसली जो सेक्सुअल करेक्टर्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इट विल नॉट बी देयर. देयर विल बी शॉर्ट स्टेचर, स्मॉल यूट्रस, पफी फिंगर्स एंड वेब्ड नेक. मतलब देखने से थोड़ा पता आइडिया हो ही जाता है कि देर इज हमें नॉर्मैलिटी है. अगर देखिए, नाउ द थर्ड डिजीज इज नेल फिल्टर डिजीज. कौन सी डिजीज है? नेल फिल्टर डिजीज. टर्नर में क्या था? एक एक्स गायब हो गया है ना, नेल फिल्टर ऑपोजिट है उसके, एक एक्स ज़्यादा हो गया, एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया. ठीक है, तो कितने हो गए क्रोमोसोम? 47. उसमें टर्नर में कितने थे? 45. एक कम हो गया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया. मेल्स में क्या हो जाएगा? एक्स एक्स वाई. और फीमेल्स में क्या हो जाएगा? एक्स एक्स एक्स. सी द नोट प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट नोट इट इज. एंड द एक्स्ट्रा इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम इन कैरियोटाइप ऑफ नेल फिल्टर सिंड्रोम इज कॉल्ड बार बॉडी. क्या बोलते हैं? जो थर्ड वाला एक्स्ट्रा लगा है, क्या बोलते हैं उसको? बार बॉडी. दस अगर एक्स एक्स वाई इंडिविजुअल है उसमें सिंगल बार बॉडी है, अगर एक्स 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 इंडिविजुअल है तो उसमें कितनी बार बॉडीज हैं? दो, क्योंकि तीन एक्स है ना, एक एक्स नॉर्मल, बाकी दो की बार बॉडीज.
देखिए जी, सिम्टम्स क्या ऐसे इंडिविजुअल्स हैज़ मैस्कुलिन डेवलपमेंट, हैज़ मैस्कुलिन डेवलपमेंट बट फेमिनिन करेक्टर्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, गाइनोकोमेस्टी एट्सेट्रा. देख रहे हो, देख रहे में मैस्कुलिन डेवलपमेंट है ना, पर करेक्टरिस्टिक फीमेल जैसे लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी, ऐसे पुअर बियर्ड ग्रोथ, फेमिनिन पिच्ड वॉइस. ठीक है, बियर्ड ग्रोथ नहीं आएगी, फेमिनिन पिच्ड वॉइस है. सो सच अनक्लियर इंडिविजुअल्स आर स्टराइल. ऑब्वियसली टर्नर वाले भी स्टराइल होंगे और नेल फिल्टर वाले भी स्टराइल होंगे इंडिविजुअल्स, राइट. आगे बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्या पेडिग्री एनालिसिस है ना. देखिए जी, जो आप डॉक्टर के पास जाते हो है ना, समटाइम्स कोई प्रॉब्लम आ गई, डॉक्टर के पास जा रहे हो एंड यू पीपल एंड द डॉक्टर यूज टू आस्क यू, सपोज किसी आपके पेरेंट को, किसी को, अंकल आंटी को है ना डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है कुछ है, वो पूछते ना फैमिली में किसी को है, ये वाली डिजीज़ है, हेमोफीलिया डिजीज़ है, फैमिली में किसी को है, किसको थी, उसके पीछे किसको थी, उसके पिछली जनरेशन, जितने जनरेशन तो आपको इतनी याद ही नहीं रहती क्योंकि वो बड़ा लंबा टाइम है, जितना याद उतना बताते हो. ठीक है, वो क्या होता है, दिस इज एक्चुअली द पेडिग्री एनालिसिस, जो पिछली जनरेशन का सारा स्टडी करना है ना, उसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस. क्या बोलते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हुई है, उसके पैटर्न्स है. आगे हम करने जा रहे हैं पैटर्न्स है. देखिए, द एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स इन सेवरल जनरेशन्स ऑफ अ ह्यूमन फैमिली इन द फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री और डायग्राम इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस. डायग्राम बनती है कि जी वाली पेरेंट्स से आगे इनके ये बच्चे हैं, इधर ट्रांसफ़र हुई है, उनके आगे ये बच्चे हैं, इधर ट्रांसफ़र हुई है, उसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस. It provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease. ठीक है, कोई ट्रेड का पता लगाना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम है हो, कोई स्पेशल ट्रेट है, वो कैसे ट्रांसफर हुई है, वो हमें प्रॉपरली पैटर्नों से पता चल सकता है. पर देखिए, इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग में ऐसा पैटर्न हम स्टडी कर सकते हैं. हमें तो अपने ग्रैंड फादर से ऊपर वाले जो जनरेशन होती है उनका नेम नहीं पता होता, तो हमें इनहेरिटेंस पैटर्न क्या पता चलने है ना. सो इट्स डिफिकल्ट कि जो नेक्स्ट जनरेशन आने में बहुत टाइम लगता है और आर्टिफिशली क्रॉसिंग भी हम नहीं कर सकते. सी, इनहेरिटेंस, सो इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेड इन ह्यूमन बींग्स कैनॉट बी स्टडीड बाय क्रॉसेस इन केस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. ह्यूमंस में हम नहीं कर सकते ज़्यादा स्टडी ऐसे. द प्रोजेनी प्रोड्यूसर्स वेरी स्मॉल, ठीक है, या एक या दो बच्चे होंगे एंड देयरफॉर टेक लॉन्ग टाइम. कंट्रोल्ड क्रॉसेस कैन बी परफॉर्म, ठीक है, ऑब्वियसली कंट्रोल्ड क्रॉसेस नहीं हम करवा सकते इन ह्यूमंस. ठीक है, आगे देखिए, ये आपके सामने सिंबल्स हैं, ये सारे सिंबल्स हैं. पेडिग्री चार्ट बनाने के लिए सिंबल्स यूज़ करते हैं, वन बाय वन हम करते हैं. देखिए, फर्स्ट आ रहा है, ठीक है, मेल को ये क्या है, स्केयर के साथ हम डेजिग्नेट करते हैं. फीमेल बाय सर्कल, ठीक है, सेक्स अनस्पेसिफाइड, नहीं पता. अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को हम क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं. ठीक है, अगर सेंटर लाइन लगी हो, दिस इज़ मेटिंग, दिस इज़ मेल, दिस इज़ फीमेल एंड दिस इज़ मेटिंग. ठीक है, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस मेल होएगा तो ऐसे हाफ करके, हेट्रोजाइगस फीमेल होएगा तो ऐसे हाफ करके. ठीक है जी, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस पता ना, होमोजाइगस को पूरा फिल कर दो, हेट्रोजाइगस को हाफ हाफ फिल कर दो. आगे देखो, आगे क्या क्या, मेटिंग बिटवीन, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, कंसेंजनस मेटिंग रिलेटिव्स, सुनते हो ना, जैसे कुछ कुछ लाइक मुस्लिम्स में होता है कि मामू के बेटी के साथ मैरिज होगी, मासी की बेटी के साथ मैरिज होगी, मतलब क्लोज रिलेटिव्स में अगर शादी होती है ना तो उसको बोलते हैं कंसेंजनिटी. क्या बोलते हैं उसको, कंसेंजनिटी, एंड दैट इज इट्स नॉट गुड फॉर जेनेटिक्स. ठीक है, वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा जेनेटिकली प्रॉब्लम्स आते हैं उन्हें और वो डेवलप नहीं हो पाते. चलो, दैट इज़ अ डिफरेंट केस. देखिए, ठीक है, उसको कंसेंजिनिटी केसेस को डबल लाइन से शो करते हैं. ठीक है, आगे देखिए, पेरेंट्स को कैसे है ना, पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो ऐसे शो करते हैं. ऊपर ये फादर हो गया, स्केयर हमने किया ना, मेल है, फादर है, ये सर्कल वाली मदर है, ऐसे मेटिंग जो ऐसे आगे आएगा, इसका मतलब ये आगे बच्चे हैं, दो बच्चे हैं उनके. ठीक है, सर्कुलरली एक डॉटर है, जो स्केयर वाला वो सन है. ठीक है जी, अगर देखो, पेरेंट्स विद मेल अफेक्टेड विद डिजीज, देखो ए फादर है, ए मदर है,
इमेजिंग में उनसे एक बेटा हुआ, बेटा हाइलाइटेड शो के हाइलाइटेड मतलब वो बेटा अफेक्टेड है, अफेक्टेड है या बोल सकते हो उसको वो वाला करेक्टर है वॉट एवर, ठीक है। उसके आगे देखिए देखिए ट्विंस के, डाइजाइगस ट्विंस और मोनोजाइगस ट्विंस को कैसे शो करते हैं। डाइजाइगस में देखिए मेल, एक मेल है एक फीमेल है, मोनोजाइगस में या दोनों फीमेल या दोनों मेल, वो तो डाइजाइगस में भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक नहीं हो पाया क्योंकि हमने किया था पिछले चैप्टर में भी, डाइजाइगोटिक ट्विंस भी मेल मेल, फीमेल फीमेल और मेल फीमेल हो सकते हैं, इट्स नॉट स्पेसिफाइड। देखिए सो प्लीज सी इन फ्रंट ऑफ यू देर इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है तो कैसे डिजीज है या ट्रेट है कैसे पता चलता है, डिफरेंस दिया हुआ है कुछ डिफरेंसेज है, लेट्स रीड आउट। ट्रेट्स आर कंट्रोल बाय डोमिनेंट जीन्स, तो क्या डोमिनेंट वाले डोमिनेंट जीन्स कंट्रोल करेंगे। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली इफेक्टेड, याद रखिए ऑटोसोमल अगर डोमिनेंट ट्रेट है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों इक्वली अफेक्टेड होंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव में देखिए ऑब्वियसली दे आर कंट्रोल बाय रिसेसिव जीन्स एंड एंड अपीयर ओनली वैन होमोजाइगस, हमने किया ना मेंडल ने बताया था ना कैपिटल टी, कैपिटल टी टॉल है, होमोजाइगस भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है, हेटरोजाइगस भी टॉल है, पर जो रिसेसिव में हमेशा स्मॉल टी ही ड्वार्फ आएगा, तो रिसेसिव जीन्स जब दो इकट्ठी होंगी होमोजाइगस होंगी फिर ही करेक्टर को एक्सप्रेस कर पाएंगी। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली इफेक्टेड, ठीक है। ट्रेड्स में स्किप जनरेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समटाइम्स आपके सामने पेडिग्री चार्ट होता है आपसे पूछा जाता है कि ये ऑटोसोमल है कि रिसेसिव है, आगे आपको करवाती हूँ। अगर कोई डिजीज या ट्रेड हर एक जनरेशन में आ रहा है, अगर हर एक जनरेशन में आ रहा है ना दैट मीन्स इट इज़ डोमिनेंट, अगर वो जनरेशन स्किप कर रहा है तो वो आएगी रिसेसिव, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। और जो ऑटोसोमल डोमिनेंट रेट है वो जनरेशन स्किप्स नहीं करती हैं, ये यूजली स्किप्स द जनरेशन, ठीक है जी, ये तभी आएंगी। पेरेंट्स ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रन फ्रॉम नॉर्मल पेरेंट्स, अगर दोनों पेरेंट्स हेटरोजाइगस है तो आगे डिजीज ट्रांसफर हो सकती है अगर दोनों अफेक्टेड हैं, ठीक है। आगे एग्जांपल दी है ऑटोसोमल रिसेसिव की एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट की पॉलीडेक्टाइली और टंग रोलिंग एबिलिटी। अच्छा देखिए आपको दिखाती हूँ जरा क्रॉसेस, देखिए जी देखो फर्स्ट वाला क्या रहा है, सिंपल मॉडल पेडिग्री चार्ट उसने शो किया है कि जी नॉर्मल फीमेल है नॉर्मल मेल है, मेटिंग हुई, आगे चार बच्चे हैं इनके, है ना, दिस इज डॉटर, ये बेटा है, ये बेटी है, ये भी बेटी है, मार्किंग शो की मतलब अफेक्टेड है, मार्किंग शो की मतलब अफेक्टेड है। अच्छा देखिए जो ऑटोसोमल, देखो अगर वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है डिजीज या ट्रेड, तो देखो मार्किंग मतलब देखो हर एक जनरेशन में, ये तीन जनरेशन फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, तीनों जनरेशन में हाइलाइटेड शो किया मतलब द ट्रेड और डिजीज हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एवरी जनरेशन, है ना, जनरेशन स्किप नहीं की हुई, तो ये कौन सी है, कौन सा पैटर्न होएगा पेडिग्री का, ऑटोसोमल डोमिनेंट। पर ऊपर देखो ज़रा यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव में ये फर्स्ट जनरेशन है नो अफेक्टेड पर्सन, सेकंड जनरेशन नो अफेक्टेड पर्सन, थर्ड जनरेशन में अफेक्टेड पर्सन आ रहे हैं, तो आप बोलोगे ऑटोसोमल रिसेसिव है, पेडिग्री है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। आगे आगे एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड पेडिग्री, देखो अगर आप वाई क्रोमोसोम लिंक्ड पेडिग्री देखोगे, वाई क्रोमोसोम का थ्योरी है मेल 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 ट्रांसफर है कि वो सीधा पता चल जाएगा कि सिर्फ वाई क्रोमोसोम लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड आएगी, एक्स लिंक्ड में देखो एक्स लिंग में होएगा, हमने किया था पहले भी एक्स लिंग वाले हमने किए थे कि एक्स लिंग्ड अगर कोई प्रॉब्लम है तभी मेल्स ज़्यादा जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, क्या था ना हमने, क्योंकि मेल्स के पास तो सिर्फ एक ही एक्स है, फीमेल्स अगर दोनों एक्स अफेक्टेड होंगे, है ना, अगर रिसेसिव डिजीज है अगर दोनों एक्स अफेक्टेड होंगे तभी उसको डिजीज होएगी, अगर एक एक्स अफेक्टेड है तो वो करियर होएगी। तो जो मेल्स हैं यूजुअली एक्स लिंक्ड में भी यूजुअली मेल्स ही ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, फीमेल्स अफेक्टेड बहुत रेयर होती हैं ऐसे, ठीक है जी। राइट एवरीवन, इज इट क्लियर, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो
तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैसेज करिए, कॉल करिए. यू पीपल आर हैविंग माई नंबर, फील फ्री टू कॉल मी, टू कॉन्टेक्ट मी. नहीं पता चला आप मेरे से पूछ सकते हो. आप अपनी बुक्स नोटबुक्स खोल के पेडिग्री एनालिसिस पेडिग्री चार्ट करिए, थोड़ा पढ़िए, प्रॉब्लम आती तो आप मेरे से पूछिए. टेक केयर, बाय.